पत्नी किरणदीप को रोके जाने पर अमृतपाल का प्लान फेल हो चुका है और किरणदीप को एयरपोर्ट पर रोकने के बाद अमृतपाल जिस तरीके से सामने आया है उसको लेकर ही हम लगातार हमारे सहयोगियों से चर्चा कर रहे हैं। हालांकि ये देखिए तस्वीर, ये वो तस्वीर है जहां आमतौर पर जीन्स और पैंट में रहने वाला अमृतपाल अपना हुलिया बदल चुका था और बार बार हुलिया बदलता रहा और अब देखिए सिर पर पगड़ी, कमर में कृपाण लगाकर ये नजर आया है। हालांकि यहाँ गुरुद्वारे में भी मौजूदगी के दौरान इसने लोगों को संबोधित किया जिसका बार बार यहाँ पर मोहित हम जिक्र भी कर रहे हैं। मेरा सवाल उस प्लानिंग को लेकर है जिसमें इसके करीबी शामिल रहे हैं। अब जिस तरीके से कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है, जाहिर सी बात है रडार पर इसकी पत्नी भी है। देखिए अगर आप पूरा घटनाक्रम देखेंगे, जब शुरुआत से अमृतपाल यहाँ पहुँचा और उसके बाद उसकी शादी के बाद की भी जो तमाम गतिविधियाँ देखेंगे, किरणदीप कौर छः महीने का वीज़ा हासिल करती हैं भारत सरकार से और भारत आती हैं, उसके बाद उनकी शादी होती है और बताया जा रहा है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ वो जुड़ी रही। UK में उनके खिलाफ एक मामला भी दर्ज किया गया गैर कानूनी तौर पर फंडिंग हासिल करने का, और ये फंडिंग जो ली जाती थी वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के द्वारा ली जाती थी। हालाँकि जब अमृतसर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किरणदीप को रोका गया तब पंजाब पुलिस ने साफ किया था कि अभी भारत में उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं है और ना ही कोई जांच हम कर रहे हैं, लेकिन अमृतपाल मामले की जांच में वो एक अहम कड़ी हैं और उनके परिवार को भी जांच में शामिल किया जा सकता है, इसी वजह से किरणदीप कौर को रोका गया है। उनके वीजा का एक महीने का वक्त भी बचा हुआ है, इसीलिए भारत सरकार ने उनको नोटिस दिया है। और किस तरीके से वो लगातार ग्रुप्स के साथ जुड़ी रही है और फंडिंग को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है कि बड़ी कड़ी है यहाँ पर अमृतपाल की पत्नी इस पूरे मामले को देखते हुए। हालांकि एक और इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने होगी जहां पर ये बता देते हैं कि किस तरीके से अब कानूनी शिकंजे के तहत पूरे मामले पर अमृतपाल से सवाल जवाब होने वाले हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन देखिए अब ISI के खालिस्तान प्लान को लेकर वाया बब्बर खालसा, ये इसलिए क्योंकि आतंकी संगठन बब्बर खालसा के लेफ्टिनेंट अवतार सिंह खंडा को लेकर भी अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये पहला मोहरा है और इसी तरीके से एक एक कर कई ऐसे मोहरे हैं जो अब रडार पर हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले की अभी तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है बड़े खुलासे हुए हैं। ब्रिटेन से अमृतपाल सिंह को ये हैंडल कर रहा था अवतार सिंह खंडा को लेकर, ये बड़ा दावा। और दूसरा मोहरा परमजीत सिंह पम्मा जो कि बब्बर खालसा का आतंकी है,